जवाब हासिल कर रहा है। सच जो यीशु ने सलीम चढ़ाना वक्त आया, पातशाह ने भी पूछा दस सच की है, कहना जे मैं सच दस दिता तो मैंने सलीम कदे भी चढ़ाना, मेरे पिता जी जो मर्जी सी फिर कदे भी पूरी हो नहीं सकती। इस करके बस तेरे से जिन्ना जहर है तेरे लिए उन्ना ही सच है। उन्होंने रिड़क दौ दही लस्सी अलग होगी तो मक्खन अलग हो जाएगा। लस्सी भी अपनी जगह से सच आ, तुम कि सच के पहुंचे हो, लस्सी वाले सच के दुध वाले सच के जाके दही वाले सच के उदू अलग कर दो। लस्सी अलग हो जाएगी, मक्खन अलग हो जाएगा। मक्खन जरा लैके जाएगा वह कहेगा मेरे लिए मक्खन सच है, लस्सी वाला कहेगा मेरे लिए लस्सी भी सच है। लेकिन अजे भी सूरत पूरी नहीं है जी, जो मक्खन फिर तुम अग के उत्ते रख देवो, सारी मैल जो निकल जाएगी वो विचों के खाल जो भी पूरा अग के सड़ जाएगा तो फिर वो सूरत घ्यो नजर आएगी। फिर कहा जाता 100% प्योर। उन्हें की है 100% खालस घ्यो, हूँ ये कुछ नहीं निकल सकता। जिन्ना अग से रखना सी रखिया, यदा सारा असर ये जो कुछ गलत वो सारा कुछ निकल गया। हूँ इनू खालस घ्यो का नाम दिता गया है। अजी जो हिंदू भी सच हो सकता है, मुसलमान भी सच हो सकता है, ईसाई भी सच हो सकता है, मुसलमान किस हिंदू सब ईसाई ये सारे सच हैं। लेकिन इस तो अलावा भी एक सच है। सामने औरत ने पूछा जो यीशु मसीह के नाल गल्लां कीतियां, कहिंदा ऐ बीबी जिहड़ियां भगतियां दा तू गल्लां करदी उहनूं छड्ड। उहनूं जाण के एक समा आउंदा है जो लोग रूह ते सच्चाई दे नाल खुदा दी इबादत करनगे। हालेलुया हालेलुया। अजे तक असीं अपनी जिंदगी ते गौर करिए असीं किहड़े सच तक पहुंचे हाँ। जे सच आ फिर साधु सुंदर सिंह की जिंदगी बारे में पढ़िया लिखा, उन्हें कदे किसी को कुछ मंगिया नहीं सी, कदे उन्हें किसी को डिमांड कदे नहीं सी कीती। इतने तक कई बार दो दो तीन तीन दिन भुखा भी रहा, लेकिन उन्हें डिमांड नहीं कीती, उन्हें मंगिया नहीं। अज साधु दे इंतजार दे विच असीं बैठे हाँ, अज असीं मानते हाँ कि उन्हें अपना जीवन यीशु मसीह दे विच गुजारिया, लेकिन उसकी जिंदगी तो असीं की शिक्षा लेने हाँ। अज बहुत सारे खादम यीशु के नमूने मंग मंग के खराब कर रहे हैं। मंगन गया जो मर गया, जिहड़ा मंगता है वह यीशु का नहीं अधिकारी यीशु का है। हालेलुया हालेलुया। उजाला पुत्र ने कहा मेरे बाप का सब कुछ मेरा है, मैं जावांगा माफी मंगागा, मेरा बाप फिर मैनू कबूल करेगा। हालेलुया हालेलुया। असी भी सच को पहचानिया है, जे सच को पहचानिया है तो फिर गौर करिए अपनी जिंदगी दे विच ये मंगना छड्ड दईए। कलीसिया कदे भी सच दे विच नहीं प्रवेश करेगी जदों तक खादम मंगता है। कलीसिया उदों जलाली होवेगी, कलीसिया उदों प्रतापवान होवेगी, कलीसिया उदों सच नूं पहचानेगी जदों खादम दे विचों मंगता पुना खत्म हो जाएगा। अपनी अखां नूं बंद करिए, सिरां झुकाइए, अज दे सुने हुए वचन दे उत्ते गौर करिए। हालेलुया। मसीह यीशु ने कहा अपनी शांति मैं तुहानू दिंदा। अज सानू गौर करन दी जरूरत है जिहड़ी शांति दा उन्हें वायदा कीता कि वह शांति साडी जिंदगी दे विच है। उन्हें कहा सच्चाई नूं जाणोगे ते सच्चाई तुहानू आजाद करेगी। फिर उन्हें कहा सच मैं हाँ। हालेलुया। अगर यीशु नूं पहचान लिया है फिर सच नूं पहचान लिया है, ते जे सच नूं पहचान लिया है फिर जिंदगी दे विच परेशानी क्यों है। सच नूं पहचान लिया फिर बीमारी तो क्यों डर रहे हो, सच नूं पहचान लिया गरीबी तो क्यों डर रहे हो। ये गरीबी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी जदों तू सच नूं पहचान लिया। ये गरीबी कुछ नहीं कर सकती, ये बीमारी साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर सच नूं पहचान लिया। ये कर्जा उतर जाएगा अगर सच नूं पहचान लिया है। ये औलाद है, औलाद वाला बन जाएगा अगर सच नूं पहचान लिया है।